लोकायुक्त पुलिस की टीम ने मंगलवार अल सुबह सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे के इंदौर के दो ठिकानों सहित रायसेन और छतरपुर निवास पर भी छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान करोड़ों के खुलासे की आशंका जताई जा रही है। देखिए एमबी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रदेश के सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे के कई ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। यह कार्रवाई देर रात से चल रही है। बताया जा रहा है कि आलोक खरे के इंदौर, भोपाल, छतरपुर और रायसेन समेत कई ठिकानों में लोकायुक्त ने दबिश दी है। छतरपुर में आलोक खरे के पिता लालजी खरे रहते हैं। भोपाल लोकायुक्त के निर्देश पर सागर लोकायुक्त की टीम छतरपुर में कार्रवाई कर रही है। लोकायुक्त डीएसपी नवीन अवस्थी का कहना है कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई निकल सकती है। वहीं इंदौर में कार्रवाई करने के लिए इंदौर लोकायुक्त की टीम की मदद ली गई है। जानकारी के मुताबिक इंदौर के ग्रैंड एक्सोटिका सहित एक अन्य स्थान पर जब टीम पहुंची तो उन्हें ताला मिला। बताया जा रहा है कि खरे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी, जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने यह एक्शन लिया है। सबसे पहले भोपाल लोकायुक्त को ये शिकायत मिली थी कि मिस्टर आलोक कुमार खरे, जो इंदौर में सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं, इनके द्वारा भ्रष्ट आचरण करके बहुत सारी संपत्ति अर्जित की गई है। शिकायत सत्यापन के पश्चात इनके विरुद्ध धारा 13(1)(b), 13(2), धारा 12 ईसी एक्ट, 120(b) आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था अपराध। उसके बाद आज 5 ठिकानों पर इनके एक साथ भोपाल लोकायुक्त के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक जांच में ही करीब 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। इंदौर के पॉश इलाके में एक पेंट हाउस और एक बंगला मिला है। यहां से 3 किलो सोना मिलने की भी खबर है। भोपाल के चूनाभट्टी और बाग मुगालिया में 2 बड़े बंगले और कोलार में एक फार्म हाउस, रायसेन में 2 फार्म हाउस का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त डीएसपी नवीन अवस्थी ने बताया कि लोकायुक्त टीम के 70 सदस्य एक साथ 7 जगह कार्रवाई कर रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियां मिल चुकी हैं। इंदौर के बंगले से 10 लाख रुपए और रायसेन के फार्म हाउस से 5 लाख रुपए मिले हैं। खरे का छतरपुर स्थित निवास की कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। सूचना यह भी है कि खरे के छतरपुर स्थित निवास से विदेशी मुद्रा भी मिली है। रायसेन स्थित खरे का लग्जरी फार्म हाउस देखकर लोकायुक्त की टीम भी हैरान रह गई। तो मिस्टर आलोक कुमार खरे एडिशनल कमिश्नर एक्साइज हैं। ये इंदौर में इनकी पदस्थापना है और इनके यहाँ इन्फॉर्मेशन थी कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत थी। इसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर सर्च की है। रायसेन में विभिन्न स्थानों पर 7 टीमें हमारी गई है और यहाँ पर रायसेन में हम लोग इस रिजॉर्ट में, इस फार्म हाउस में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ की इन्वेंट्री चल रही है, कार्रवाई चल रही है। 36 एकड़ में इनका ये फैला हुआ, इसमें संतरे और गुआवा वगैरह लगा हुआ है और ये बड़ा बहुत अच्छा रिजॉर्ट तरीका एक बनाया हुआ है यहाँ पर, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं सारी हैं। इसकी हम लोग सर्च कर रहे हैं। 5 लाख रुपए कैश यहाँ पर मिला है। 2 ट्रैक्टर यहाँ मिले हैं और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ मिले हैं। उसको दूसरा फार्म हाउस है डाबरा फार्म हाउस, वहाँ भी कार्रवाई चल रही है। वहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है अलग टाइप की। छतरपुर, इंदौर, भोपाल में 3 स्थानों चल रही है और यहाँ पर रायसेन में 2 स्थानों चल रही है और इंदौर
में भी कार्रवाई चल रही है। सनराइज अपार्टमेंट है, उसमें उनका फ्लैट वहाँ पर है, और भी ज़मीनें कई जगह पे, बाग मुगलिया, बाग सिवनिया, आपके भोपाल में चूना भट्टी में एक बड़ा मकान मिला है, फोर व्हीलर्स बहुत सारे मिले हैं, 10 लाख से ज़्यादा वहाँ कैश मिला है साल में, और विभिन्न स्थानों पर भी इन्वेंट्री चल रही है लगातार, तो कार्रवाई सतत चल रही है और बड़े बड़े और मिलने की संभावना लगभग। अभी वहाँ पर इंदौर की इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई, लेकिन वहाँ सर्च कार्रवाई चल रही है, मिस्टर सीनियर इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ वहाँ पर हैं और वो कार्रवाई चल रही है वहाँ पर। वर्तमान में पदस्थापना इनकी सहायक आयुक्त आबकारी इंदौर में है, एडिशनल कमिश्नर एक्साइज है, और पोस्टिंग भी वर्तमान में इनकी इंदौर है, विभिन्न जगहों पर रहे, भोपाल में भी रहे, रायसेन, भोपाल और छतरपुर में इनका ओरिजिनल है, वहाँ भी छापा पड़ा है। इंदौर के ग्रैंड एक्जोटिका सहित एक अन्य स्थान पर जब टीम पहुंची तो उन्हें ताला मिला। यहां लोकायुक्त टीम के लोग अभी खड़े हुए हैं। खरे की पत्नी रायसेन में फलों की खेती कर रही हैं और वे पत्नी के नाम से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, जिसमें इनकी एक टीम छतरपुर में कार्रवाई कर रही है, दो टीमें पृथक पृथक इनके फार्म हाउस पर इंदौर में है और रायसेन में है, एक टीम भोपाल निवास स्थान पर है और एक टीम के रूप में मैं इंदौर आया हुआ था। इंदौर में ग्रैंड एक्जोटिका में फ्लैट नंबर 1001 में ये रहते हैं, जो कि बंद था, ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये चाबी इसकी और मिस्टर आलोक कुमार खरे भोपाल अपने निवास स्थान पे हैं, तो हमने उसको सील बंद कर दिया है और वहाँ अपने कांस्टेबल को सुरक्षार्थ छोड़ दिया है। जैसे ही हमको चाबी प्राप्त होगी हम उसका सर्च कार्रवाई करेंगे, उसके पश्चात हम अभी वेट कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे हम यहाँ ऑफिस में उपस्थित हैं और उनके स्टेनो जो हेड क्लर्क हैं मिस्टर रामभोग व्यास, उनको हमने सूचित किया है, उनके आने के पश्चात ऑफिस सर्च की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कार्रवाई सभी जगहों पे मुख्य मतलब सभी जगह इम्पोर्टेंट है, सभी जगह इंदौर में, इंदौर के अतिरिक्त भोपाल, रायसेन के दोनों फार्म हाउसेज और छतरपुर, इन चारों जगहों पर कार्रवाई जारी है। लगभग 21 प्रॉपर्टियों की इनकी जानकारी लोकायुक्त भोपाल की टीम को प्राप्त हुई थी, 21 प्रॉपर्टियाँ इनकी विभिन्न शहरों में हैं, जिसमें कृषि भूमि, भूखंड, भवन सभी शामिल हैं। हाँ, पत्नी के नाम पे, बच्ची के नाम पे, पिता के नाम पे, सभी परिजनों के नाम पे अलग अलग संपत्तियां हैं। टीम आलोक कुमार खरे को लेके या उनके किसी परिजन के साथ चाबी लेके आएगी तो हम। इंदौर के सहायक आबकारी आयुक्त नरेश चौबे के ट्रांसफर के बाद भोपाल से सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे को इंदौर सहायक आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है। माना जा रहा है कि अभी और कई खुलासे होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।